भजन संहिता अध्याय 72। भजन संहिता अध्याय 72। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खुंटी पर बरसाने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, तब तक शांति बहुत रहेगी। और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन होकर जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लोहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह तो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बाले लबानोन के देवदारुओं की नाई झूमेंगी और नगर के लोग घास की नाई लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इसराइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है और उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन।